रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पिंडरा में खेल का मैदान और बाउंड्री नहीं होने के कारण बच्चों को स्कूल के बगल के सड़कों में खेलना पड़ता है। स्कूल में शौचालय बंद होने के कारण बच्चे खुले जगहों पर शौच के लिए जाते हैं। यह समस्या हमारे समुदाय में बीओ की लापरवाही के कारण मौजूद है। मैं बसंती सोरेन और ये है मेरा समुदाय। इस स्कूल में कितना नामांकित बच्चे हैं? लगभग 37 बच्चे हैं। और टीचर कितने हैं आप लोग? दो टीचर हैं। यहाँ पर है खेल का मैदान और बाउंड्री का सुविधा नहीं है। तो बाउंड्री के लिए और खेल का मैदान के लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन नहीं दिया गया। यहाँ का जो शौचालय है वो तो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको यूज नहीं किया जाता है क्या? नहीं, उपयोग तो नहीं किया जा रहा। क्यों? पूर्ण तरह से नहीं बना है। डेली स्कूल खुलता है? हाँ। भोजन मिलता है दोपहर में? हाँ। और यहाँ आप लोग शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाती है? हम लोग उधर जाते हैं। शौचालय बंद है? हाँ। खराब है क्या? नहीं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि खेल का मैदान नहीं होने के कारण बच्चे सड़कों में खेलते रहते हैं। समय समय पर कई गाड़ियां आती जाती रहती हैं। इस तरह से बच्चों को और अभिभावकों को दुर्घटना का डर सताते रहता है। कहा जाता है कि खेल कूद से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन खेलने के लिए स्कूल में मैदान ही नहीं तो बच्चों का ये कैसा विकास हो रहा है जहाँ बच्चे मंदिर के बरामदे में खेलने को मजबूर हैं। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि प्रखंड मांडू के बीओ को कॉल कर दबाव बनाएं ताकि स्कूल में सारी मूलभूत सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सके। मैं बसंती सोरेन, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, झारखंड से इंडिया अनहद के लिए।